हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने वाले पूरी भाजी। तो ये हमारी पूरी है। ये पूरी भाजी के लिए मैंने पूरी बनाई है, मतलब भाजी अभी रेडी होने की बाकी है। तो पूरी देखो हमारी कैसी छिल गई है। और ये पूरी को मैं आटा नहीं लगा के कभी भी बेलती हूँ, ये सादी मतलब सिर्फ तेल में बेलती हूँ। सिर्फ तेल में बेलने से क्या होता है, तेल भी ख़राब नहीं होता है और हमारी पूरी भी अच्छी सॉफ्ट ही रहती है। आटा लगाने से तेल पूरा ख़राब हो जाता है, इसके लिए मैं आटे का तो बिल्कुल भी पूरी में इस्तेमाल नहीं करती, बहुत काली हो जाते हैं, तेल बहुत काला हो जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसे। तो ऐसे ऐसे फूकती है हमारी पूरी, और आटा लगाने पर शायद फूकती नहीं है, शायद पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैंने कभी जब से मैं बनाने लगी हूँ मैं तेल में ही बनाती हूँ, मतलब तेल में ही आटा गूंथती हूँ, आटा नहीं गूंथती हूँ, सॉरी तेल में नहीं, सॉरी सॉरी आटा में। ये जब बेलती हूँ ना मैं पूरी को, तो देखो ये हमारी पूरी का आटा है और इस पे मैं ऐसा तेल लगाऊंगी और ऐसा बेलूंगी। चलो एक हाथ से गाइस मैं तो आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, इसके लिए मैं बनाकर रखती हूँ और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बताने के लिए। क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के ये नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते इसके लिए। चलो अभी हम लोग की पूरी तो रेडी हो गई है बनके, अभी हम लोग बटाटे की सब्ज़ी बना देंगे जो पाव पूरी भाजी के साथ खाई जाती है। ये आलू है, बड़े साइज़ के चार आलू हैं, इसको मैंने हाथ से मैश कर दियो। और बघार के लिए लेंगे हम लोग ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता और ये हींग, एक चुटकी हींग होएगा। हींग बघार में डालना पड़ता है क्योंकि ये बटाटे की भाजी से गैस ना हो और हमको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए डालते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये हल्दी और कांदा और चार हरी मिर्ची। तभी हम लोग इस सबको फ्राई करेंगे, फिर बाद में ये आलू इसमें छोड़ देंगे। ये आलू छोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये अभी हम लोग हींग डाल दिए, डालने के बाद ये सब एक साथ ही डाल दूंगी मैं, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ लूँगी तो पता है आपको प्रॉब्लम, तो सब एक साथ डाल के हम लोग भून लेंगे। हींग की खुशबू अच्छी आती है बघारने के बाद में, अच्छा लगता है। और हींग डालना चाहिए क्योंकि अच्छा रहता है वो हजमे के लिए, हींग अच्छा रहता है। अभी हम लोग कांदा और हरी मिर्ची साथ में छोड़ देंगे। बोलने में और करने में कुछ गलती हो गई होगी तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है यूट्यूब की, तो थोड़ा ट्राई करती हूँ बोलने का। चला भी इसको हम लोग भून लेंगे अच्छे से, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए कांदे को ऐसा भून लेना है। सबके अपने अपने स्टाइल है पकाने की, मेरी अलग है, सबकी अलग होगी। मैं जैसा घर में बनाती हूँ वैसा ही मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मैं शो ऑफ करके नहीं बताती हूँ कि ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जो नॉर्मल मैं बनाती हूँ जैसे भी, सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा ये ऐसा प्रिपरेशन करना पड़ता है पहले से, ये ऐसा ऐसा थोड़ा पहले वीडियो बनाने के लिए। सबकी स्टाइल अलग है अपनी अपनी। तो अभी हम लोग इसमें अभी हल्दी छोड़ेंगे, सब लोग मसाला वगैरह भी डालते रहेंगे पर मैं नहीं डालती हूँ, ये इसी भाजी मेरे को पीली ही अच्छी लगती है, दूसरा कोई भी मसाला इसमें जाए तो उसके बाद में वो मुझे पसंद नहीं आती। मैं इसको ऐसे ही बनाना पसंद है, मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, मैं कुछ
ओवर करके नहीं बताती, और ये भी बटाटा जाएगा। और नमक अपने स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दी थी हल्दी के पीछे पीछे ही, वो मैंने बताई नहीं आपको क्योंकि मैं नमक बताती ही नहीं, कि नमक अपने स्वाद अनुसार रहे वही ठीक है, अपना अपना हिसाब रहता है नमक का। मैं जैसा भी बनाती हूँ वैसा बता देती हूँ आपको, तो सब मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। और थोड़ा तीखी ही बनाई मैंने, मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डाली, हरी मिर्ची, मुझे तीखा पसंद है, अच्छा लगता है तीखा। और ये मेरा इफ्तारी हो जाएगी इसमें, और फिर शाम में अक्षत आने के बाद में तो खा भी लेंगे। पूरी की साइज आधी टेढ़ी है तो हंसता नहीं, अभी ये सब्जी को 5 से 7 के लिए थोड़ा बारीक पे हम लोग इसको पकने रखेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में कैसी लगती है। चलिए अभी देखते हैं हमारी सब्जी कैसी हो गई। ऐसी पक के रेडी हो गई है अभी, इस पर आप लोग कोथमीर डालेंगे, और कोथमीर मुझे सब दाल में, सब्जी में, और ज़ीरा राइस बनाती हूँ उसमें कोथमीर तो चाहिए मुझे, कोथमीर के बिना मुझे ऐसा लगता खाना मेरा अधूरा ही है। तो ये हमारी भाजी हो गई है, अब हम लोग गैस कर देंगे बंद, गैस पे ढक देंगे, फिर उसी के साथ साथ में मैं ये भी बना रही थी शरबत मुहर्रम का। मैं पहले 10 दिन मुहर्रम की शरबत बनाती हूँ, और इसके 10 दिन फातिया भी होती है, और फिर इसी पे मैं रोज़ा खुलती हूँ। मैं हमारा शरबत का कलर कैसा है बताना, इसको हम लोग ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। फाइनली देखिए हमारी सब रेडी हो गया है, और साथ ही साथ में मैंने बनाई हूँ वो रेसिपी, बताई नहीं आपको, और वो बताई भी नहीं मैंने, जाना भी बहुत रो रही थी इसके लिए। ये मैंने बनाई हूँ सेंगदाना और खोबरे की चटनी। आ जाइए सब लोग इफ्तार करने के लिए। और ये जब मैं सब बना रही थी ना तब इतना सन्नाटा क्यों था पता है, क्योंकि अनाव्या सो रही थी, और चटनी बनाने के टाइम पर मैं बहुत हंगामा करी, इसके लिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। आ जाइए सब लोग सैरी करने, सॉरी आ जाइए सब लोग इफ्तार करने। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।